की चिल्ली बनाना सिखाऊंगी जो बिना मैदे के बनेगा। इसमें हम बेसन यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें 2 चम्मच बेसन का डालेंगे और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च। इसका हम पतला सा घोल बनाएंगे। जैसे पकोड़े बनाते हैं ना वैसे। और मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, इसको मिक्स कर लेंगे और एक एक करके मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। हमारा पनीर ये देखो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तेल डालेंगे, तेल ज़्यादा नहीं डालना आपने, से एक कच्ची डाल। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच अपने स्वाद अनुसार तेल डालें, चिली पाउडर डालें। कोरिएंडर पाउडर डालें, जिसमें सॉस डालेंगे। एक कटोरी लेंगे, उसमें 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर का डालेंगे और थोड़ा सा पानी। विनेगर डालें,
अब जो हमने पनीर फ्राई करके रखा था वो डाल। टमाटो सॉस, हाँ अगर आपको टमाटो सॉस कम लग रही है तो थोड़ी सी और डाल दें। ये हमारा स्वादिष्ट सा चिल्ली बनकर तैयार हो गया, आप भी ट्राई करें। Thank you.